नमस्कार, पंजाब टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकित सुमन। चुनाव जीतने के बाद सरकारी गाड़ी और लाल बत्ती की चाहत हर किसी के दिल में होती है, लेकिन पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की ये चाहत पूरी होती नहीं दिख रही। पहले लाल बत्ती का अरमान टूटा और अब सरकारी गाड़ी की चाहत को भी भूलना होगा, क्योंकि पंजाब के वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है। पंजाब में सरकारी गाड़ियों से सैर सपाटा करने वाले मंत्रियों और विधायकों को सरकारी गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया है। नई गाड़ियां खरीदने को लेकर वित्त विभाग ने ट्रांसपोर्ट विभाग को एक नई नीति तैयार करने का आदेश दिया है, और जब तक नई नीति तैयार नहीं हो जाती तब तक किसी भी विधायक या मंत्री को सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। हालांकि इसके पहले तर्क जो दिए जा रहे हैं उसे वित्तीय संकट का नाम भी दिया जा रहा है। पंजाब में पिछले 1.5 साल से नई गाड़ियों का इंतजार कर रहे विधायकों को उन्हीं के कैप्टन ने एक और झटका दिया है, या यूं कहिए कि उनके सरकारी गाड़ी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जी हां, नई सरकारी गाड़ियों की राह देख रहे विधायकों को अब सरकारी गाड़ियां नहीं मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक पंजाब के किसी भी विधायक को वित्तीय विभाग ने नई गाड़ियां देने से साफ इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने ट्रांसपोर्ट विभाग से कहा है कि वो पहले पॉलिसी लेकर आए, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। वित्त विभाग की माने तो उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो नई गाड़ियां खरीद सकें। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना है कि विधायकों और मंत्रियों को गाड़ी देने की जगह वो अपने स्तर पर ही अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। सरकार उनको पेट्रोल, रखरखाव और ड्राइवर का खर्चा देगी, जिससे सरकार को नई गाड़ियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। जब तक नई पॉलिसी नहीं तैयार होगी तब तक गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। आपको याद दिला दें कि पंजाब की कैप्टन सरकार ने सरकार बनने के बाद हुई पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला लेते हुए वीआईपी कल्चर खत्म किया था। सीएम ने ऐलान किया था कि उनके आधिकारिक गाड़ियों से लाल, पीली और नीली बत्ती हटाए जाएंगे। पंजाब में किसी भी तरह का वीआईपी कल्चर नहीं होगा। साथ ही सरकार ने 125 वीआईपी लोगों के सिक्योरिटी में भी कटौती की। विक्रम सिंह मजीठिया समेत कई वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी कम की गई है। फिलहाल सरकार बनने के बाद से ही पंजाब के मुख्यमंत्री वीआईपी कल्चर के खिलाफ नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो वित्तीय संकट का ही हवाला क्यों ना हो। हालांकि मसले से राजनीति जुड़ी है तो उम्मीद है कि इस पर सियासत भी जरूर होगी। पंजाब डेस्क, जनता टीवी। जी, तो सियासत इस पूरे मामले में कितनी होगी ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि ये जनहित में उठा हुआ एक कदम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी सरकार इस तरह के फैसले लेती है और जिन पैसों का इस्तेमाल इसमें होगा वो हमारा, आपका, हम सबका टैक्स का पैसा है, तो इस कदम को पॉजिटिव वे में लिया जाना चाहिए आम लोगों के नजरिए से। सरकार और विपक्षी दल किस तरीके से देखते हैं या जो विधायक बने वो किस तरीके से देखते हैं, ये एक अलग मसला है। कुछ तथ्य हैं जिनको आपको समझना चाहिए, आइए उससे आपको रूबरू कराते हैं। अब न बत्ती होगी, पहले ही बत्ती की बात कर दी गई, और ना गाड़ी है, और न बत्ती मिली न गाड़ी अब सरकार की तरफ से दी जा रही है। विधायकों को किसी भी तरीके से सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी, इस बात का जिक्र खुद वित्त मंत्री पंजाब के वो करते हुए नजर आए हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे विधायक, जो उनके पास अभी तक पर्सनल गाड़ियां हैं, और वित्त विभाग ने कहा है कि आप ट्रांसपोर्ट विभाग को कि नई नीति बनाइए, उसको लेकर आइए, फिर उस पर सोच विचार किया जाएगा, और नई नीति तैयार होने तक किसी को भी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। हाँ, जो आपके पर्सनल व्हीकल है उसमें तेल, ड्राइवर और उसके रखरखाव का खर्चा जरूर सरकार उठाएगी, वित्त विभाग जरूर उठाएगा। तो लाल बत्ती पहले ही सरकार खत्म कर चुकी है, हालांकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी आवाजें आई थी। इसके अलावा जो अहम फैसला लिया गया था, 125 वीआईपी जिनको सिक्योरिटी दी गई थी, सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, उसको वापस लिया गया था। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सरकार पूरी तरीके से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अमली जामा कितना पहनाया जा पाएगा इन तमाम चीजों को, या फिर जो नई नीति बनेगी ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, उस नीति में कोई ऐसी बात तो नहीं निकल कर आएगी सामने जिसको ये कहा जा सकेगा कि ये जो मसला उभर कर सामने आया है इसने चीज़ों को फिर से उसी ढर्रे पर ला दिया या फिर से उसी पटरी पर पहुंचा दिया, ये अपने आप में एक बड़ा विषय होगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा दौर में अगर वित्त मंत्री के इस फैसले को देखें तो इसकी तारीफ की जा सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक अहम फैसला है, क्योंकि करोड़ों रुपये खर्च इसमें आते हैं। जब विधायकों को जिस तरीके से गाड़ियां मुहैया कराई जाती हैं, उनके लिए गाड़ी की पूरी खेप खरीदी जाती है, उसमें करोड़ों रुपए का खर्च होता है, और ये जो एक्स्ट्रा वजन सरकार के राजस्व पर पड़ता है उससे बचने के लिए वित्त मंत्री
ने ये फैसला लिया है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि वित्त मंत्री ने जो फैसला लिया गया है उसमें ये भी कहा गया ट्रांसपोर्ट विभाग को कि आप नीति बनाइए, एक नई नीति लेकर के आइए, उस नीति के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। तो अब इस नई नीति में किस तरह की बातें होंगी, किस तरह से फैसले लिए जाएंगे या किस तरह के क्लॉज लगाए जाएंगे, डूज लगाए जाएंगे, वो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कई बार मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी भी होती है कि पहले तो लाल बत्ती वाला जो पूरा सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया और अब जो गाड़ी सरकार की तरफ से दी जाती थी अब उस पर भी यहाँ पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है उसको तो पॉजिटिव नोट पर लिया जा सकता है कि हाँ, सरकार के इस फैसले से जो वित्तीय घाटा है उसको कुछ हद तक ही सही लेकिन रोका जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन विधायकों का जो तर्क होगा वो एक अलग होगा। कई विधायक ऐसे होंगे, हो सकता है कि जिनके पास गाड़ी ना हो या फिर जो गाड़ी हो उनकी उसकी स्थिति अच्छी ना हो, और चूंकि वो विधानसभा का पूरा दौरा उनको करना है, उस विधानसभा के प्रतिनिधि हैं और काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ हो सकता है उनका विधानसभा हो, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो गाड़ी उनके पास है शायद वो नाकाफ़ी हो। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट विभाग को उस पर सोचना होगा कि नीति किस तरीके से बने जिनसे उन तमाम विधायकों को भी सहूलियत हो और सरकार पर भी ज़्यादा बर्डन, फाइनेंशियली ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अहम कदम ये वित्त मंत्रालय की तरफ से पंजाब के लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो गाड़ियां हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अमर सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमर सिंह जी, स्वागत योग्य फैसला है ये? ये मेरा जहां तक मेरा ख्याल, देखो पंजाब गवर्नमेंट की कमिटमेंट है खर्चे कम करने की जी, और बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन जहां तक इस फैसले का संबंध है विधायकों की गाड़ियों का, मेरे जहां तक जानकारी है ऐसा कोई औपचारिक फैसला भी लिया नहीं गया है जी। ये को किसी व्यक्ति विशेष की या किसी के विचार हो सकते हैं नहीं, ये तो लेकिन जहां तक बेशक औपचारिक हो सकता है, औपचारिक फैसला और औपचारिक बयान ना दिया गया हो वित्त मंत्री की तरफ से, लेकिन बातें तो स्पष्ट कर दी गई हैं वित्त मंत्री की तरफ से कि ऐसा नहीं होगा। आपको मैं जो बात कह रहा हूँ मैं ऑथेंटिकेटेड कह रहा हूँ कि औपचारिक इस पे कोई पेपर वर्क, कोई प्रपोजल, कोई फैसला नहीं हुआ है। अब आपको कोई ज्यादा जानकारी है तो मैं उस पे तो फिर क्या बोल सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की कमिटमेंट है टू रिड्यूस, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन ये फैसला बहुत सेंसिटिव फैसला है। ये तो डॉक्टर अमर सिंह साहब, इसमें यह भी कहा गया है ट्रांसपोर्ट विभाग को, ये कहा गया है कि आप एक नई नीति लेकर के आइए और जब तक नई नीति नहीं बन जाती है तब तक विधायकों को कोई गाड़ी अलॉट नहीं की जाएगी। नई नीति मांगी गई है ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से। मैं तभी कह रहा हूँ ऐसा कोई औपचारिक पत्राचार नहीं है, और मैंने क्रॉस चेक भी किया है आपका, जितना 5-10 मिनट आपने मैंने दिए, ऐसा फॉर्मल कुछ भी ऐसा अभी गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रपोजल है नहीं है। ये विचार हो सकते हैं, किसी के खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है जिस लेवल पे आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कमिटमेंट है खर्चा कम करने की। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा पिछले दिनों अमर सिंह साहब की 125 ऐसे लोग थे जिनको सिक्योरिटी जिस तरीके से मुहैया कराई गई थी, या तो उसमें कमी की गई या फिर हटाया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार इस स्थिति में है कि जहां से जरूरत से ज्यादा जो भी चीज हो रही हो उसमें कटौती की जाए, ताकि वो जो टैक्स का पैसा है आम आदमी का, उस पैसे से प्रदेश का विकास हो सके, आम लोगों का विकास हो सके। वो तो बिल्कुल सही है, जहां भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि जहां से पैसा कट किया जा सकता है वो स्टेप्स ले रही है सरकार पिछले साल सवा साल से, और आगे भी लेगी, और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं आज कम से कम सरकार की तरफ से। जब ये कहा गया कि नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जब तक नहीं आ जाती तब तक जो भी विधायक हैं उनको नई गाड़ी नहीं मुहैया कराई जाएगी सरकार की तरफ से, इस फैसले के साथ खड़े हैं, समर्थन में हैं, या फिर कुछ और अलग राय है सर आपकी? देखिए, जहाँ तक सरकार ने ये फैसला किया है, ये सरकार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो माड़ी पोजीशन के संकेत दे रही है। आप स्वयं बोले हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा है
कि वित्तीय हालत ठीक नहीं है। ये नहीं है गाड़ियां भी एमएलए को नहीं दी गई, गाड़ियों का जो प्रति किलोमीटर माइलेज होता है जहाँ ड्राइवर का खर्चा जहाँ उसकी जीएटीएस का खर्चा वो तो सरकार देगी। पहले भी ऐसे होता है कि मंत्री आपकी प्राइवेट गाड़ियां रख लेते हैं, ये कोई नया फैसला नहीं। मगर इस फैसले से थोड़ा सा जो मैसेज आ रहा है कि सरकार की आर्थिक पोजीशन माड़ी है वो अच्छा नहीं जा रहा, उससे प्रदेश की जो बाहर दूसरे प्रदेशों में या देश में प्रतिष्ठा है वो डाउन हो रही है। और इसके लिए कैप्टन साहब की सरकार को एक तो जवाब देना ही होगा, डेढ़ वर्ष हो गया कि खजाने में पैसे क्यों नहीं आ रहे, कहाँ लीक हो रहा पैसा, और इनकी जो मैनेजमेंट है वो उसमें कहाँ कमी है, जैसे नजायज माइनिंग हो रही है, ब्लैक में शराब बिक रही है, जो शराब बड़े ठेकेदार हैं वो किस्तें नहीं भर रहे, तो जो लीकेज हो रही है खजाने में जा नहीं रहा पैसा, तो उससे मंदा हाल है या कोई और। लेकिन चंदू माजरा साहब, इस सिक्के के जारी करना होगा, इस सिक्के के अगर दूसरे पहलू को हम देखें तो ये भी तो कहा जा सकता है कि सरकार जहाँ पर गैर जरूरी खर्च हो रहा था उस पर अंकुश लगा रही है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, गैर जरूरी खर्च पर संकोच में कंट्रोल में करना जी। मैं समझता हूँ जरूरत है आज सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था है, मगर कल्ले गाड़ियों को रोक करने होना और खर्चे जो है उनको भी कंट्रोल करना होगा। चंदू माजरा साहब, इससे पहले भी हमने इस तरह की चीजें देखी हैं, लेकिन आपको लगता है जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ये शो कर रहा है कि पंजाब का जो वित्तीय स्थिति है, पंजाब का राजस्व जो है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, आप लोगों ने जिस तरीके से छोड़ा था उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, हमारे डेढ़ वर्ष के खजाने को अब तक ये पीटते रहे, ये तो हर बार से नया बजट आता है, नए रिसोर्स मोबिलाइज होते हैं, टैक्स डेली आते हैं, तो ये डेढ़ बार से पहले खजाने की पोजीशन को लेकर आज तक की पोजीशन को ना कंपेयर किया जाता था, ये तो सरकार को बताना होगा अभी डेढ़ वर्ष में खजाने में पैसे क्यों नहीं आए, खजाना खाली क्यों हुआ। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो खजाना भरा हुआ छोड़ के जाएगी, जो जिसने डेवलपमेंट करनी है, जिसने लोगों की सेवा करनी है, हमारी सरकार ने डेवलपमेंट के काम किए, लोगों की भलाई के काम किए, खर्चा तो होना ही होना था, मगर नेक्स्ट ईयर के लिए जो रिसोर्स होते हैं तो कंटिन्यू रहते हैं, वो कहाँ गए, क्यों बंद हुए, क्यों कम हुए, इसमें तो व्हाइट पेपर जारी करना होगा, बताना होगा प्रदेश के लोगों को सरकार को, अगर इनकी वित्तीय पोजीशन इतनी कमजोर हो रही है, कहीं मैनेजमेंट में कमी आ रही है, ये तो प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। ठीक है चंद माजरा साहब, हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो लगातार जुड़े हुए हैं। अमर सिंह साहब, क्या वित्तीय, चलिए संपर्क उनका टूट गया, हम चाहेंगे दोबारा उनसे संपर्क करें, क्योंकि जो प्रेम सिंह चंदुमाजरा साहब ने जिस बात का जिक्र किया है कि जिस स्थिति में इन्होंने सौंपा था या इन कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला था, तब से लेकर अब तक गिरावट दर्ज की गई है। एक और फैसला लिया गया था, 125 ऐसे लोगों की सिक्योरिटी में या तो कमी की गई थी या पूरी तरह से वापस लिया गया था, उस फैसले के भी पक्ष में ही हैं आप लोग भी? अमर सिंह बोल रहा हूँ, मैं चंदुमाजरा जी का जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, ये पहले मैं बोलूं? जी सर पहले बोल लीजिए। ये मुझे अफसोस हो रहा है कि जो सरकार इस तरह की, जो लोग इस तरह की सरकार छोड़ के गए थे, इनको पूछिए शेड्यूल का बच्चों का स्कॉलरशिप कितने साल नहीं दिया, शगन स्कीम कब से नहीं बांटी, लोगों का जीपीएफ कितने साल से नहीं दिया, मेडिकल बिल कितनी देर से नहीं दिए, तनख्वाहों की क्या हालत थी, आज सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है, और आप ये हमको कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति खराब हो गई है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, उस वक्त से हमारी हजारों गुना वित्तीय स्थिति ठीक है, और सिक्योरिटी का दुख इनको इसलिए क्योंकि ज्यादातर अकाली जो लीडर थे जितनी सिक्योरिटी उनको जी उसका प्राइमरी तरीके से चल रही है, पूछिए तो सही कि ये जो एसेंशियल लोग थे, बच्चों के स्कॉलरशिप, जीपीएफ, मेडिकल बिल, ये सब क्लियर क्यों नहीं करते थे अगर ये इतना सरप्लस थे, आज हमने सारा कुछ करके सारा कुछ कर रहे हैं और विकास भी चल रहा है, किसानों का कर्जा हमने माफ किया है और सारी चीजें चल रही हैं, अब इसको कह रहे हैं वित्तीय स्थिति खराब है, व्हाइट पेपर अभी सरकार ने बनने के बाद दिया था, हर बजट में व्हाइट पेपर ही होता है, बजट तो व्हाइट पेपर ही होता है,
अब 3-4-5 महीने में बजट आने वाला हो, वो व्हाइट पेपर नए वाला नहीं। डॉक्टर अमर सिंह साहब, डॉक्टर अमर सिंह साहब बस इतना बता दीजिए, प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब भी हैं, जिस स्थिति में जिस राजस्व के साथ आप लोगों ने सत्ता संभाल लिया उसमें गिरावट आई है या उसमें राजस्व में? नो, कोई सवाल ही नहीं है। उससे कहां से गिरावट आनी थी, इनके जमाने में तो ना टैक्स आए घर पे, ट्रांसपोर्ट इनको पूछिए ट्रांसपोर्ट का टैक्स कहां जा रहा था, पूछिए तो सही। एसी बसों पे टैक्स कम और पंजाब रोड पे ज्यादा। अरे भाई माइनिंग का सारा पैसा कहां जा रहा था, मैं वो बातें। ठीक है, जरा प्रेम सिंह चंदूमाजरा साहब का जवाब ले लेते हैं। सर आपका रिएक्शन क्या है ये जो एलिगेशन आप पे लग रहे हैं? मैं अमर सिंह जी से यही कहना चाहता हूँ कि ये इनके कहने से गिरावट का पता नहीं चलता, ये तो फिगर बता रही हैं। ये तो देश में जो सामने रिजल्ट आया है, सर्वे हुआ है, उसमें पंजाब अकाली सरकार के समय बिजनेस इंडस्ट्री में नंबर एक में था 2015 में, आज 20वें नंबर पे चला गया। ये ग्राफ नहीं है, और 1.5 वर्ष में ये खजाना खाली है, इसकी दुहाई बनाकर काली सरकार पे तो नहीं रोक लगा सकते। ये तो 1.5 वर्ष में इनको बताना होगा भी खजाने में जो पैसा है क्या कहाँ, जहाँ पैसा कम क्यों रहा, खजाना खाली क्यों है, ये तो 1.5 वर्ष का खजाना। चंदूमाजरा साहब, अमर सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह पर पैसे रोक रखे थे जहाँ पर पैसों का डिलीवरी उसकी होनी जरूरी थी, तो वहाँ पर भी खर्च किया है। बताते रहे 35,000 करोड़ का जो FCI के साथ हमारा झगड़ा चला बादल साहब के समय, ये उनको स्कैम बताते रहे। अब इनको पता चला भी स्कैम तो नहीं था, ये तो है था जाति है FCI की, हम उस जाति के विरोध में लड़ रहे थे, ये उनके पक्ष में खड़े थे। अब जब इनके कंडे जो भिजे हुए थे, आप जब इनसे चुकने पड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं अमर सिंह साहब, क्या रिएक्शन है आपका? इन्होंने चंदू माजरा जी ने जो बात करी है कि रैंक गिर गया, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये तो मोदी सरकार की फंक्शनिंग वैसी है, वो फार्मूला उसको चेंज कर दिया और इस तरीके से बना दिया है कि पंजाब नीचे चला गया। इनको पूछिए पुराना फार्मूले पे ही पंजाब को करें तो आज भी पंजाब एक नंबर पे ही है। पंजाब में पहले, अरे बल्कि इनके जमाने में तो कोई आदमी आने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो कल्चर था वो एक्सटॉर्शन का था। अब तो कल्चर ओपन है, कोई भी आए कोई भी करे, लेकिन वो जो फार्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया उस वजह से उसमें चेंजेस आई है, उसको पकड़ के बैठ गए हैं। अपन पुराने वाले फार्मूले पे कैलकुलेट कर लें और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लें कि अकाली राज में आप आना चाहते थे या कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में आना चाहते, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से थर्ड आदमी से व्यू ले लीजिए कि इनके जमाने में अगर पंजाब में आना होता तो क्या डिमांड रहती थी। जी नहीं, जी अगर आना चाहते तो फिर अंकड़ा 20 से 1 नंबर 1 से 20 स्थान पे क्यों जाता है? तो फिगर है, मैं कोई नई बात अपने तो कोर्ट से थोड़ो कह रहा हूँ, ये तो रिजल्ट है सामने, कोई नई बात तो है नहीं, इसको कोई दुसरा नहीं सकता। और जहाँ तक खजाने में पैसे रेवेन्यू जनरेट करने की बात है, वो तो इनकी ड्यूटी है। मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इन्होंने जो शराब के ठेकेदारों को शराब खजाना भरने के लिए महंगी शराब कर दी, छुट्टी दे दी, जितने मर्जी प्राइस रख लो, वो ब्लैक हरियाणा राजस्थान से होनी शुरू होगी। जो ठेकेदार थे वो किस्तें नहीं भर पाए तो खजाने में पैसा नहीं गया, ऐसे ही नजायज माइनिंग कर रही है। नजायज माइनिंग जो असली ठेकेदार पैसे नहीं भर रहे तो नजायज माइनिंग वाले अपना माला माल हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ से रिसोर्स मोबिलाईज होने से वो तो बंद हो गए, लीकेज होगी वहां। तो इनके वित्त मंत्री ने सुबह कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा GST में, 1 करोड़ रुपया तो अभी अभी आया है 2 दिन पहले, 100 करोड़ रुपया कुछ दिन पहले। तो इन्होंने 5,000 करोड़ की बात कही थी भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा GST बढ़ने आने से। तो मोदी साहब का तो उनको धन्यवाद करना चाहिए, 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने इंक्रीज कर दिया का। ठीक है, सेकंड में आपको रोक रहा हूँ अमर सिंह साहब, एक सवाल है आपसे मेरा कि ये फैसला जैसे ही लागू हो जाएगा कि विधायकों को गाड़ियाँ नहीं मुहैया कराई जाएंगी जब तक कि अगली ट्रांसपोर्ट नीति नहीं बन जाती, लेकिन सवाल ये है सर कि कई ऐसे विधायक होंगे या हो सकते हैं जिनकी गाड़ियों की स्थिति बहुत अच्छी ना हो या फिर
वो जहाँ पर जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो विधानसभा का दायरा बहुत बड़ा हो, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में उनको दिक्कत होगी, कैसे वो लोगों तक पहुँचेंगे सर? मैं शुरू में ही आपको निवेदन किया था कि ये बात आपने जरूर भेजा है, वैसे गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का किसी व्यक्ति विशेष के विचार हो सकते हैं, इस तरह का फैसले का कोई फॉर्मल डिसीजन ना हुआ है, ना फॉर्मल पेपर इसके चल रहे हैं। और मैं विद पूरी नॉलेज के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह की यस किसी आदमी के विचार हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इस तरह का कि पेपर प्रपोजल उस टाइप से बिल्कुल भी नहीं है। कल को हो सकता है, लेकिन आज जब अपन बात कर रहे हैं, मैंने फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दोनों से चेक किया है, उन्होंने कहा है ऐसा हमारे यहाँ ऑफिशियल कोई भी प्रपोजल नहीं है। इसीलिए मैं आपको 2-3 बार कह चुका हूँ कि ये यस किसी का विचार हो सकता है कि अपन को इस तरह करना चाहिए कि खर्चा कम हो, किसी का नहीं, अभी बात हुई नहीं है, बहस करेंगे जब ये फैसला आ जाए, उस तरह की फॉर्मल प्रपोजल हो जाएगी तब उस पर बहस करेंगे। वित्त मंत्री ने प्रपोजल दी है और मैं समझता हूँ कोई बुरी नहीं है प्रपोजल, मैं समझता हूँ प्रपोजल ऐसी स्थिति में अगर इनकी पोजीशन फाइनेंशियली माड़ी है तो फिर इसके बिना कोई चारा भी है नहीं, कोई बुरी नहीं है समझता। और ये जो प्रपोजल दी है वित्त मंत्री ने दी है, ये प्रपोजल किसी आम व्यक्ति ने नहीं दी, बिल्कुल ये चलो नहीं हो, इसमें अगर हो किसी जो आपने कहा ना कोई व्यक्ति के पास ना होगी गाड़ी तो वो टैक्सी भी कर सकता है, टैक्सी का पैसा तो सरकार पे करेगी। चलिए ये एक अच्छी बात है, जिस तरीके से टीए एंड डीए की बात सामने आती है उसी तरीके से यहाँ पर भी वो खर्चा आएगा सामने। चंदूमाजरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमर सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जनहित में एक उठा हुआ फैसला ऐसे कहा जा सकता है, और जब इस तरीके के फैसले होते हैं और विपक्ष का भी अगर इस तरीके के फैसले में साथ मिल जाए तो फिर प्रदेश के लोगों के लिए भी और अच्छा कदम ये हो जाता है। पंजाब टुडे की आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।